फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कल संडे लाइव टेस्ट हुआ था 9 PM में, तो उसका आज हम वीडियो सॉल्यूशन आपको देंगे। और कितने फ्रेंड्स किसके कितने मार्क्स आए, तो रिजल्ट तो हमने पब्लिश कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे टॉप 3 में कितने लोग हैं। और यहाँ पर हम टॉप 10 के यहाँ पर नाम दिखाने वाले हैं। तो पहले टॉप 3 में जो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे सुमेर सिंह है और अशु हैं और राकेश सोलंकी हैं, ये टॉप 3 में आए हैं। और यहाँ पे टॉप 10 में यहाँ मुकेश तक यहाँ पे टॉप 10 तक हैं। तो इतने स्टूडेंट टॉप 10 में आए हुए हैं और यहाँ पे अपना नाम देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बाद में अगर टेस्ट दिया है और अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर हम स्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे नाम यहाँ पर आपको दिखा दिए। टोटल यहाँ पर 80 स्टूडेंट ने यहाँ पे टेस्ट दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लाइव टेस्ट जो हमारा कल लाइव टेस्ट हुआ था 9 PM में, अगर आप भी लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री लाइव टेस्ट हर संडे को होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। क्या जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँच जाएगा। अगर आप डेली लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से फ्राइडे लाइव टेस्ट होता है 9 PM में, 9 PM अथवा 10 PM। चलिए स्टार्ट करते हैं के क्वेश्चन के क्या आंसर हैं। टोटल क्वेश्चन जो हमारे कल के लाइव टेस्ट में थे, तो वहाँ पे 20 रखने थे, लेकिन समय के अभाव में 12 ही क्वेश्चन रख पाए। लेकिन अच्छे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही इसमें रखे गए थे लाइव टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना देरी के। तो अगर आप लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं डेली लाइव टेस्ट, इस नंबर पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, नीडल फाइल किस ग्रेड नंबर में पाई जाती है। तो नीडल फाइल हमारी क्या होती है, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नीडल फाइल की लंबाई कितनी होती है, तो 120 से 180 mm, ठीक है, 120 से 180 mm हमारी नीडल फाइल की लंबाई होती है। और नीडल फाइल में एक खास बात ये होती है, इसका प्रयोग बिना हैंडल के करते हैं, क्योंकि इसकी जो टैंक होती है हमारी कैसी होती है, हमारी इसकी टैंक गोल होती है, उसी में हम नलिंग कर देते हैं, ताकि हम नलिंग इसी वजह से करते हैं ताकि हम उसके टैंक को आसानी से पकड़ सकें, है ना। तो ये नीडल फाइल से रिलेटेड इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, घड़ी साज वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कार्यों में हम नीडल फाइल का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नीडल फाइल किस ग्रेड नंबर में पाई जाती है, तो ये हमारे 0 से 4 नंबर में पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था यहाँ पे, स्क्राइबर के पॉइंट को कितनी डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। तो स्क्राइबर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। अगर ये पूछे कि कितनी डिग्री पर झुकाकर काम करते हैं जॉब की सतह के साथ में, है ना, एक क्वेश्चन आता है जॉब की सतह से और स्क्राइबर के पॉइंट में कितनी झुकाकर काम करते हैं, तो 30 डिग्री पर झुकाकर काम करते हैं, 30 डिग्री झुकाकर हम मार्किंग वगैरह करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया कि स्क्राइबर के पॉइंट को कितनी डिग्री पर ग्राइंड करते हैं, तो 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे था हमारा, देखिए इसको यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन करना भूल गए थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको बता देंगे। तो पूछा गया था हमसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन था कास्ट आयरन को फोर्ज किया जा सकता है, तो सेकंड ऑप्शन था लेड पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, नोडुलर कास्ट आयरन को ग्रेफाइट आयरन भी कहते हैं, और हाँ नीचे है यहाँ पर ट्रांसलेशन, नोडुलर कास्ट आयरन इज आल्सो नाउ इज ग्रेफाइट आयरन। और फोर्थ ऑप्शन था राइट आयरन में सिलिकॉन की मात्रा 0.1% से 0.2% होती है। तो ये आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन हमारा असत्य है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा कथन सत्य है। तो राइट आयरन में हमारा सिलिकॉन की मात्रा 0.1% से 0.2% होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर राइट आयरन में हम यह बात करें कि हमारी लोहे की मात्रा कितनी होती है, तो 0.02% से 0.03%, ये हमारी राइट आयरन में हमारे किसके कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारा लोहा होता है वो हमारा काफ़ी पाया जाता है, लगभग 98 पॉइंट करके हमारा पाया जाता है, 99.98, ठीक है, 99.98 हमारा इसमें पाया जाता है राटन में लोहे की मात्रा। और जो कार्बन की मात्रा होती है 0.02% से 0.03%, ठीक है। अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे आपको रेशियो देखने को मिल जाता है, लेकिन इतना ही सही है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था, इसमें पूछा गया था नोडुलर कास्ट आयरन को, मतलब जो दिया गया था नोडुलर कास्ट आयरन को ग्रेफाइट आयरन कहते हैं, बिल्कुल। नोडुलर कास्ट आयरन, जब हमने कास्ट आयरन के टाइप के बारे में पढ़ाया था, तो हमने बताया था जो नोडुलर कास्ट आयरन है उसको हम ग्रेफाइट आयरन भी कहते हैं, डक्टाइल आयरन भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डक्टाइल आयरन किस कास्ट आयरन को कहते हैं, तो नोडुलर कास्ट आयरन को हम ग्रेफाइट आयरन भी कहते हैं और डक्टाइल आयरन भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। और लेड पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल ये बात सही है। तो लेड पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। कास्ट आयरन को फोर्ज किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। कास्ट आयरन को हम फोर्ज नहीं कर सकते, क्यों? रीजन इस वजह से क्योंकि कास्ट आयरन क्या हमारा बहुत ही ब्रिटल मटेरियल है, और जो भी जिस भी मेटल में हमारी अगर भंगुरता अधिक है तो उसकी हम फोर्जिंग आसानी से नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा है कास्ट आयरन को फोर्ज किया सकता है, ये हमारा कथन गलत है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, व्हाइट मेटल में प्रमुख एलॉय है लेड टिन एंटीमनी कॉपर, ये हमारे सामने ऑप्शन थे। तो व्हाइट मेटल में हमारा किसका प्रमुख एलॉय, जब हमने मेटल चैप्टर अच्छे से पढ़ाया था तो इसका कई बार ये क्वेश्चन में क्लियर किया था। तो व्हाइट मेटल में हमारा प्रमुख एलॉय कौन सा है, लेड है, ठीक है। और अगर पूछे कि व्हाइट मेटल में कौन कौन से होते हैं, तो व्हाइट मेटल में हमारा लेड भी होता है, टिन भी होता है, एंटीमिनी भी होता है और कॉपर भी होता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन आपको याद रखना है, जैसे व्हाइट मेटल में हमारी प्रमुख एलॉय क्या है, हमारा लेड है, तो लेड की मात्रा कितनी होती है, लेड हमारा 30 से 80% पाया जाता है, ठीक है। 30 से 80% हमारा लेड पाया जाता है, ठीक है। 30 से 80% हमारा व्हाइट मेटल में लेड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया है। ड्रिल की फीड मापी जाती है, ड्रिल की फीड मापी जाती है। यहाँ से बहुत ही हमने देखा था, जो जिन स्टूडेंट्स के 3 क्वेश्चन गलत हैं या 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो उनके अक्सर यहाँ से हमने देखा उनके क्वेश्चन यहीं से गलत हैं। ड्रिल की फीड, ड्रिल की स्पीड और ड्रिल की कटिंग स्पीड, तीनों में अंतर है। देखिए किस प्रकार से समझते हैं, हम इसको फिगर पे लेके चलते हैं, वहाँ से समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ड्रिल की फीड, कटिंग स्पीड और जो हमारा ड्रिल की स्पीड, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए हमने यहाँ पे आपको फिगर लेके आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, केवल वर्ड को ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ड्रिल की स्पीड, ठीक है, क्या पूछा जाए, यहाँ पर हम DS लिख देते हैं। DS का मतलब क्या है, ड्रिल की स्पीड, मतलब ड्रिल की हमारी स्पीड क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए ड्रिल हमारा 1 मिनट में जितना चक्कर लगा लेता है वो हमारी क्या कहलाती है, ड्रिल की स्पीड कहलाती है। फिर से सुनिएगा, अगर हम इस जो अच्छा है, इसमें हमारी ड्रिल की एक्सिस लाइन क्या होती है, ये भी हमें पता होनी। एक्सिस लाइन वो होती है जो हमारी टूल है, जो उसकी बीच से एक हमारी जो रेखा जाती है वही हमारी एक्सिस लाइन होती है ना, यही एक्सिस लाइन। तो ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वो हमारी ड्रिल की स्पीड कहलाती है। मतलब कहने क्या है कि जो ड्रिल है हमारा 1 मिनट में कितने बार घूम जाता है, कितने बार चक्कर लगा लेता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ड्रिल की स्पीड कहलाती है। ध्यान समझ गया ना। दूसरा पॉइंट क्या आता है क्वेश्चन, दूसरा हम लिख लेते हैं। दूसरा हमसे क्या पूछा जाता है, ड्रिल की कटिंग स्पीड, ठीक है। ड्रिल की स्पीड और ड्रिल की कटिंग स्पीड दोनों में माइनर अंतर है। अब ड्रिल की कटिंग स्पीड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ड्रिल की कटिंग स्पीड, ड्रिल की कटिंग स्पीड हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाया वो हमारी ड्रिल की स्पीड हो गई। लेकिन अब इसके आगे एक और अक्षर जोड़ रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना है कि ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाया उन चक्करों द्वारा तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, ड्रिल की कटिंग स्पीड कहलाती है। मतलब कोई हम होल कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई किसी जॉब पर होल कर रहे हैं और ड्रिल हमने लगाया, तो ड्रिल जैसे हमने मतलब ड्रिल मशीन से हमने वगैरह वगैरह हमने जब चालू किया, तो ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितना चक्कर घूमा उन चक्करों में तय की गई दूरी, मतलब अगर ड्रिल घूमेगा और प्रेशर देंगे ड्रिल को नीचे की तरफ तो कुछ तो अंदर जाएगा ना, तो जितना होल के अंदर जाएगा 1 मिनट में वो जितनी दूरी तय करेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, ड्रिल की कटिंग स्पीड कहलाएगी, है ना। तो ड्रिल की कटिंग स्पीड क्या होती है, क्या कहते हैं उसे, तो ड्रिल की कटिंग स्पीड वो होती है कि जब ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उन चक्करों द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे वर्ड क्या ध्यान देना है, तय की गई दूरी, उन चक्करों द्वारा तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, ड्रिल की कटिंग स्पीड कहलाती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट याद रखना है, फीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीड क्या होती है, ड्रिल की फीड, मतलब ड्रिल की फीड किससे मापते हैं, तो ड्रिल की फीड, अब देखिए अब 1 मिनट में वो जितने चक्कर लगा रहते हैं, यहाँ पे सारे हम यहाँ पे हटा देते हैं, तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं ड्रिल की फीड। तो ये 1 मिनट में वह जितने चक्कर लगा रहा था तो वो हमारी ड्रिल की स्पीड कहलाती थी। दूसरा हमने क्या बताया कि 1 मिनट में वो जितने चक्कर लगा रहा था उन चक्करों द्वारा जो
दूरी तय कर रहा था वो हमारी क्या कहलाती, वो हमारी दिल की कटिंग स्पीड कहलाती, लेकिन एक चक्कर में कितना घूम रहा, मतलब कि एक चक्कर में जो हमारा ड्रिल है वो जॉब के अंदर कितना जा रहा है। जैसे हमने, ये हमारा जॉब है ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा कोई जॉब है, इस पर हमने ड्रिल लगाया हुआ है और ड्रिल लगाने के बाद एक चक्कर हमने ड्रिल को घुमाया, तो अगर एक ड्रिल को हमने अगर एक चक्कर घुमाया तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगा ना। वही कह रहा है कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फीट। तो एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितना धातु के अंदर प्रवेश करता है उसे हम फीट कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ड्रिल की स्पीड का मात्रक क्या होता है, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी ड्रिल की स्पीड का मात्रक क्या होगा, ड्रिल की स्पीड। तो ड्रिल की स्पीड का मात्रक परिभाषा से निकालते हैं कि एक मिनट में वह जितने चक्कर लगा लेता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ड्रिल की स्पीड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, कमेंट करके आपको बताना, ये हम बता देते हैं फिर आप कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। तो चक्कर प्रति मिनट क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। तो एक मिनट में वो जितने चक्कर लगा लेता है, ठीक है, यहाँ पे मिनट हम लिख लेते हैं, इसको मीटर आप मत समझिएगा, मिनट हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिनट में वह कितने चक्कर लगा लेता है, वो हमारी ड्रिल की स्पीड कहलाती है। दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा क्या है फ्रेंड्स, कि एक मिनट में वह कितनी दूरी तय कर लेता है ना, चक्करों द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितने दूरी तय कर लेती है, उसको हम कैसे डिनोट करें, कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे मीटर, मीटर प्रति मिनट, है ना। एक मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेता है, तो ये हमारी क्या कहलाती, कटिंग स्पीड कहलाती। तीसरी है फीड, फीड की मात्रा क्या होगी, फीड किससे मेजर करेंगे, किससे मापेंगे, उसको मापेंगे mm प्रति चक्कर, है ना, mm प्रति चक्कर। मतलब एक चक्कर में वह कितना ड्रिल जो, मतलब एक चक्कर में जो हमारा ड्रिल है वो जॉब के अंदर कितना गया, कितना धसा, है ना। तो ये हमारा हो गया, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय की वो हमारी कहलाती ड्रिल की फीड। एक मिनट में ड्रिल हमारी चक्करों द्वारा तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कटिंग स्पीड। मतलब एक मिनट में कितनी दूरी तय की वो हमारी कटिंग स्पीड, मीटर प्रति मिनट, है ना। मात्रक याद रखिएगा, मीटर प्रति मिनट, ठीक है, मीटर प्रति मिनट। और ड्रिल की फीड एक बार फिर से, यहाँ पे फर्स्ट वाला है ना, ड्रिल की स्पीड क्या होती है, तो ड्रिल की स्पीड मतलब कि एक मतलब प्रति मिनट में वो कितने चक्कर लगाया, तो चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आएगा, अभी हम कराएंगे, तो चक्कर प्रति मिनट क्या हो गया हमारा, एक मिनट में उसने कितने चक्कर लगाया। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। इतनी बार आपको यहाँ पे कई बार हमने रिपीट भी कर दिया, ताकि अगर आपको एक बार में नहीं आया तो दोबारा में आ गया होगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में उससे क्या पूछ रहा है, ड्रिल की फीड मापी जाती है, तो ड्रिल की फीड किससे मापी जाती है, तो हमें माइंड में आना चाहिए फीड क्या होती है। तो ड्रिल की फीड क्या होती है, एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है, मतलब एक चक्कर में ड्रिल हमारा कितना घूमता है, कितनी जॉब में धसता है, वो हमारा कहलाता है फीड। तो देख लेते हैं भाई, प्रति चक्कर कहाँ पर है, रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, चक्कर। तो mm प्रति चक्कर, mm प्रति रिवोल्यूशन, है ना, रिवोल्यूशन। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेबी मेटल में प्रमुख लाए जी, अभी हमने पढ़ा था व्हाइट मेटल के बारे में, व्हाइट मेटल में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाइट मेटल में हमारा मुख्य लाए कौन सा था, लेड था, है ना, व्हाइट मेटल में। लेकिन बेबिट मेटल पूछा गया, तो बेबिट मेटल में हमारा मुख्य लाए होता है टीन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है हमारा, टीन होता है। तो यहाँ पे अब कौन कौन सा इसमें होता है, टोटल अगर हम बात करें बेबिट मेटल में, तो बेबिट मेटल में हमारा लेड नहीं होता, बाकी सब होते हैं, टीन भी होता है, एंटीमिनी भी होता है, कॉपर भी होता है। अब पूछे एग्जाम में कि हमारा बेबिट मेटल में जो प्रमुख लाए हमारा टीन होता है, उसमें हमारा टिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 80 से 90% होती है, ठीक है, 80 से 90% हमारा बेबिट मेटल में टिन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा, ये पिछले लाइव टेस्ट, संडे लाइव टेस्ट में हमने रखा था क्वेश्चन, और उसमें इस क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत हो गया था, तो वहाँ पे हमने आपको 20 डिग्री बता दिया था, इसलिए हमने इसको रिपीट कर दिया, ताकि हम यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन गलत अगर हमसे गलती हो जाती है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सही बता सके, है ना। तो आमतौर पर गियर के दांतों का दबाव कोण कितना होता है, 14.5 डिग्री होता है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टूल को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। तो किस टूल को हम हार्ड और टेम्पर करेंगे, तो सबसे समझना ये जरूरी यह है कि हम जो भी हमारे माइल्ड स्टील से बने टूल होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे टूल होते हैं अगर माइल्ड स्टील से बना है तो उसको हम क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं। अगर हमारा कोई टूल है हाई कार्बन स्टील से बना है तो उसको क्या करते हैं, हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। माइल्ड स्टील से बने टूल को हम केस हार्ड क्यों करते हैं, उसको हार्ड और टेम्पर क्यों नहीं
नहीं करते हैं। रीजन ये है कि उसमें हमारी कार्बन परिषद मात्रा 0.3% से कम होती है ना, माइल्ड स्टील में हमारी 0.3% से कम कार्बन परिषद मात्रा होती है, इस वजह से हम उसकी केस हार्डनिंग करते हैं, हार्डिंग और टेम्परिंग नहीं कर पाते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर फिर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर किस टूल को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, तो डिवाइडर हमारा माइल्ड स्टील का बनता है। यहाँ पर हमारा राइट, ये भी हमारा केस इसका केस हार्डिंग के अंतर्गत आएगा। कैलिपर हमारा माइल्ड स्टील का बनता है, तो ये भी हमारी इसकी केस हार्डिंग होगी। देखिए आपको कैलिपर डिवाइडर भी आपको हाई कार्बन स्टील का भी मिल जाएगा लिखा हुआ बुक में, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट मतलब कि जो सामान्यतः हमारा बनता है वो माइल्ड स्टील का ही बनता है, लेकिन स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बनता है, ये एग्जाम में भी आया हुआ, तो हाई कार्बन स्टील भी एग्जाम में लगा मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना, तो हार्ड टेम्पर भी इसी को हम करेंगे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया, ड्रिल की कटिंग स्पीड मापी जाती है। तो अभी हमने फीड के बारे में बताया, फीड का हमारा क्वेश्चन आया था, अब कटिंग स्पीड के बारे में देख लेते हैं। तो कटिंग स्पीड के बारे में हमने क्या बताया था, कटिंग स्पीड के बारे में हमने ये बताया था कि कोई हमारा ड्रिल है, ये हमारा ड्रिल है मान लो, ठीक है। तो यह होल में हमने इसको ड्रिल को लगा दिया और एक मिनट में कई चक्कर इसने ड्रिल नहीं लगाया, लेकिन उन चक्करों द्वारा तय की दूरी हमारी क्या कहलाती, कटिंग स्पीड कहलाती है ना। तो क्या इसको क्या कहते हैं हम कि एक मिनट में वो कितनी दूरी तय किया वो हमारी क्या कहलाती, कटिंग स्पीड कहलाती है। तो एक मिनट हम देख लेते हैं, लास्ट में मिनट का है, देखो इसमें भी मिनट है, इसमें भी मिनट है, तो इन दो में कौन सा होगा। देखिए हमने चक्कर प्रति मिनट तो हमने बताया नहीं था कि एक मिनट में वो कितने चक्कर लगा ले, ऐसा तो है नहीं। तो एक मिनट में वो जितने चक्कर लगा ले उन चक्करों द्वारा तय की दूरी, अब दूरी का मात्रक मिनट मीटर होता है ना, दूरी का क्या होता है मीटर होता है, तो ये कितनी दूरी उसने तय की, तो मीटर प्रति मिनट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया था, ड्रिल की स्पीड मापी जाती है। देखिए ड्रिल की कटिंग स्पीड और ड्रिल की स्पीड में अंतर है। अब ड्रिल की स्पीड का मतलब ये है कि ड्रिल जो हमारा है वो कितना तेजी से घूम रहा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैसे मापेंगे। तो ड्रिल हमारा एक मिनट में कितने चक्कर लगा लेता है, ठीक है, ड्रिल हमारा एक मिनट में वो कितने चक्कर लगा लेता है, कितनी बार हमारा ड्रिल घूम जाता है, वो हमारी ड्रिल की स्पीड कहलाती है। तो देखते हैं कहां पर है, तो एक मिनट हमारा लास्ट में क्या होगा ऑप्शन में, तो मिनट होगा। चलिए दो में ऑप्शन यहां पर भी है इसमें भी है ना, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि एक मिनट में वो कितने चक्कर लगा लेता है वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रिल की स्पीड कहलाती है। एक मिनट में चक्करों द्वारा तय की दूरी मतलब दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो एक मिनट में कितनी दूरी तय की वो हमारी कटिंग स्पीड कहलाती है, और ये हमारी क्या होती है, ड्रिल की स्पीड कहलाती है। फीड क्या होती है, रेवोल्यूशन प्रति एमएम, एक एमएम में वो कितने चक्कर लगाया, उल्टा हो गया ना इसका, यहाँ पे थर्ड वाला होगा, यहाँ पे एक चक्कर में वो कितने दूरी तय करता है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ड्रिल की फीड कहलाती है। ये हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये किसी का मात्रक नहीं है, ये हमारा किसका है, ड्रिल की फीड का है। ड्रिल की फीड मतलब एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करता है। आ गया होगा समझ में, बिल्कुल रट गया होगा आपको, आप कभी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। टेल स्टॉक को अपसेट करके टेपर टर्निंग की जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले लाइव टेस्ट में इसको हमने क्लियर किया था। देखिए टेल स्टॉक और कंपाउंड स्लाइड दो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर ये पूछे कि टेल स्टॉक ऑफसेट करके टेपर टर्निंग की जाती है, तो टेल स्टॉक से ऑफसेट से दो क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम इसमें हम आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक लंबाई में अगर हमें टेपर टर्निंग करनी किस मेथड का प्रयोग करेंगे, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का। अगर हमें सबसे कम एंगल में हमें टेपर टर्निंग करनी है, तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का प्रयोग करेंगे। ये हमने दो पॉइंट बता दिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है कि हम जब टेपर टर्निंग कर रहे होते हैं, तो टेल स्टॉक के किस भाग को हम क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं, मतलब स्पिंडल को ऑफसेट करते हैं कि हम बॉडी को ऑफसेट करते हैं, तो हम बॉडी को ऑफसेट करते हैं। जब भी हम टेपर टर्निंग कर रहे होते हैं, तो टेल स्टॉक के किस भाग को, टेल स्टॉक जो हमारा पूरा उसमें बॉडी होता है, बेस होता है, सब कुछ वगैरह होता है, स्पिंडल भी होता है, तो उसमें बॉडी के भाग को हम ऑफसेट करते हैं। जब हम बॉडी को ऑफसेट करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक हमारा स्पिंडल भी ऑफसेट हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन तीन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। कंपाउंड स्लाइड से क्वेश्चन क्या आता है, कंपाउंड स्लाइड से यहाँ पे याद रखिए, कंपाउंड स्लाइड से हमें अधिक एंगल में हम टेपर टर्निंग करते हैं, ठीक है। अगर हमें अधिक एंगल में आगे हमें टेपर टर्निंग करनी, बहुत काफ़ी एंगल ज़्यादा है उसका टेपर टर्निंग का, तो वहाँ पे हम कंपाउंड स्लाइड मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर हमें कम लंबाई में टेपर टर्निंग करनी है, तो हम कंपाउंड स्लाइड का भी प्रयोग करते हैं और फॉर्म टूल मेथड का भी प्रयोग करते हैं ना। सबसे कम लंबाई में अगर हमें टेपर टर्निंग करते हैं, तो पहले हम फॉर्म टूल मेथड लगाएंगे। फॉर्म टूल मेथड में क्या होता है, जिस प्रकार का हमारा
जितनी उसकी कटिंग एज होगी उतनी उसकी टेपर टर्निंग होगी, है ना। जैसा हमारा कटिंग एज वैसी हमारी उसकी टेपर टर्निंग, उतनी हमारी कटिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना, ठीक है। चलिए, जो भी मेन इंपॉर्टेंट थे इससे रिलेटेड हमने आपको समझा दिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्राइबर बना होता है, तो स्क्राइबर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, स्क्राइबर हमारा हाई कर्वेज सिल्क बना होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इससे भी रिलेटेड हमने ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर करा दिए थे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। जिससे क्या, जिससे जो भी हमारे और नए स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल के बारे में नहीं पता उनको मालूम हो सके, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे क्या होगा कि हम इससे और अच्छी मेहनत करके हम आपके लिए अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चन लाएंगे और यहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर सकेंगे। तो जो भी हमारी जो कल क्लास होगी, कल क्लास हमारी कौन सी होगी, न्यूमेरिकल क्लास जो हमारी चल रही थी, क्लास वन हो चुकी थी, जिसमें हमने बताया था चीजल के झुकाव एंगल के याद करने की ट्रिक, बहुत अच्छी हमने ट्रिक बताई, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने यह लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो अभी भी आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। वो जो कल हमने वीडियो अपलोड किया था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे ITI फाइटर 01 07 पासवर्ड है उसको डालिएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं समझ में आए हमने क्या बताया तो उस वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने पासवर्ड पूरा बताया किस प्रकार से क्या पासवर्ड डालना है। उसके माध्यम से आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, जो जिन स्टूडेंट्स ने लाइव टेस्ट नहीं दे पाए कल का, उस लोग, ठीक है। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल।